बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज मैं जिस दरबार शरीफ पर आया हूँ, इस दरबार शरीफ जो पीर साहब का नाम है, मैं आपको बता दूँ, पीर सैयद आले नबी औलाद अली हैं। उनका नाम पीर सैयद इफ्तखार हुसैन शाह अल मशहूर गोगी शाह, गोगी शाह के नाम से उन्हें लोग जानते हैं, गोगी शाह सरकार। तो ये दरबार शरीफ जिस गांव में मौजूद है, वो मैं गांव का नाम बता दूं, चक नंबर 71 बालू वाला गांव का नाम है। तो वीडियो के दौरान ही मैं आपको दिखा दूं, यहां पर काफ़ी आंधी चलना शुरू हो गई है, क्योंकि मौसम काफ़ी देर से खूबसूरत और ठंडा ठंडा मौसम था, तो उसके असरात नज़र आ गए हैं जनाब। बाहर की तरफ देखा जाए, मैं दरबार शरीफ के अंदर इस वक्त खड़ा हूँ, तो बाहर काफ़ी आंधी भी चल रही है। और अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ हमेशा ठंडी हवा चलती रहती है, उसकी बड़ी बात के साथ में एक नहर गुज़रती है, गांव के साथ भी लगती है और इस दरबार शरीफ के साथ भी। और इस दरबार शरीफ के आमने सामने आगे पीछे देखा जाए तो कब्रिस्तान है गाँव का, तो कब्रिस्तान के दरमियान में ये दरबार शरीफ बनाया गया है काफ़ी बड़ी ज़मीन में। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा जो पीर साहब का मज़ार शरीफ है वो। दरबार शरीफ पर यहाँ पर ड्यूटी है, इनके पास मैं बैठा हूँ, यानी समझ लें ये दरबार शरीफ के मलंग हैं और 8 साल से ये यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं इस दरबार शरीफ पर। तो अपना की नाम है तुहाडा सब तो पहले? सिकंदर। 8 साल तो तुसी इत्थे रहन दे हो, ते ठीक तुहाडा पीरखाना है यानी है ठीक। तो आ जिहड़ा दरबार शरीफ के अंदर वड्डा सारा हाल बनया होया वा ये? हाँ जी, ठीक हो गया। इधर आ जड़िया कब्र बनिया हुई नाले, ठीक पीर साहब रिश्तेदार जवाइया दी बहन हुई ठीक। तो बाकी अगे पिछे सारा कब्रिस्तान? हाँ जी सारा चाचे कब्र। अच्छा, तो 8 साल तो तुम अपना दिन रात इत, ठीक हो गया। तो पीर साहब का नाम? नाम वो लिखे जी, मैंने सीधा नाम नहीं पता। अच्छा, गोगी शाह पीर साहब का? अच्छा ठीक, रूप गोगी शाह, ठीक हो गया। तो अपना जो इतने मैं देखे है काफ़ी तीन चार कुत्ते फिर आए, ये शौकिया तोड़ते हैं या फिर जानवर कुत्ते हल्के आ जाते, कुछ सप्प आ जाता? अच्छा, गिदड़ आ जाता हल्का, फिर इन्हें डक देना होंगे। कि डक दे? मार देंगे, फट के घेरा पा लेंगे, पाड़ देंगे। तो कभी तुम वेख्या हो या इदा का? परसों ये कटे सही है वो, तो सब इन्ने क्यों इधर आ जाते हैं?
ਨਹਿਰ ਲੱਗੇ ਪੈਲੀਆਂ ਫਸਲ ਠੀਕ 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 ਛੱਪੜ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਆ ਗਾਂ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਤੇ ਆ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕੁੱਕੜੇ ਸ਼ੋਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਸ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਰੱਖਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਡਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੂਤਰ ਆ ਸਹੀ ਇਹ ਝਪੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਬੂਤਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਨਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ये वाला दरबार का अंदर का सहन है यहाँ पर कव्वाली होती है और यहाँ पर जो इनके मरीद हैं गांव के लोग हैं या दूसरी जगह से जो लोग सुनने आते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं सामने ये सारा हाल जो कव्वाल आते हैं उनके लिए बनाया गया है जब दरबार शरीफ पर यहाँ पर उर्स होता है उस वक़्त ये हाल इस्तेमाल करते हैं और ये सामने जो दरवाजे लगे हुए हैं ये सारा लंगर खाना तो दरबार शरीफ का बाकी जो सामान रखा हुआ है यहाँ पर वो सारा और ये जब हमने पूछा इनसे तो पता चला कि ये जो पीर साहब हैं उनके जो अजीज़ व अकारब रिश्तेदार हैं सैयद बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं उनका अपना ख़ानदान ये सारी कब्रें उन्हीं की हैं ये वाली तो ऊपर की तरफ अगर नज़र दौड़ाई जाए तो ये सारे काले रंग के अलम जिसे कहते हैं ये अलम लगे हुए हैं अगर इस साइड पर देखा जाए तो यहाँ पर भी अलम लगे हुए हैं यानी ये सारा दरबार शरीफ अलमों के साथ सजाया गया है तो यहाँ पर आस्ताना आलिया पीर सैयद जीवन अली बुखारी ये पीर साहब का नाम है आगे गद्दी नशीन जो हैं वो हाजी सैयद इफ्तखार अली बुखारी मैंने पहले भी बताया कि ये जो दरबार शरीफ है ये आले नबी औलाद अली सैयद ख़ानदान उनका ये दरबार शरीफ है पीर साहब की जो ज़ात है बरादरी है वो सैयद है ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਗਰ ਟਾਈਗਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦਾ ਨਾ ਟਾਈਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੱਲੂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲੋ ਫੇ ਦੌੜੇ ਵੀ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਏ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉਦੀ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਓ ਟਾਈਗਰ 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 ਮੋਦੀ 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 अच्छा ऐस कुत्ते का नाम मोदी है मोदी कुत्ता है चल मोदी ओए चल मोदी 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 ओए ता के मोदी है ये देख आई है ये है मोदी कुत्ता बेटा खा ले ऐ अच्छा जाई ब्रांच लेट्स गो ओके तो आपने देखा आज दरबार शरीफ मैंने आपको दिखाया सारा कि ये देखें जी ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है चलें आप थोड़ा सा दूर हो गया वैसे डर गया था इसने समझा पता नहीं कोई चीज़ यहाँ पे आ गई है तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहाँ पर करते हैं ख़त्म वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है मैं आपको बताऊंगा कौन मैं आपने वीडियो को लाइक करना है दोस्तों के साथ शेयर करना है और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी के साथ बंदा ना चीज़ को इजाज़त दीजिए अल्लाह ने के बाद